बच्चों, तो यहाँ पे पी वाई क्यू को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है बेटा, यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम एंड इज़ बेंट इनटू इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज। तो अगर आपका एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 18 ओम है, अगर उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो सभी जो ट्रायंगल बनेंगे उसके साइड जो बनेंगे सबका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम 6 ओम हो जाएगा। ये 6 ओम 6 ओम सबका रेजिस्टेंस आ गया। तो ये दोनों जो रेजिस्टर दिख रहा है बेटा आपको, 6 ओम का और ये 6 ओम का, ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो सीरीज को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। नीचे जो 6 ओम है बेटा इसके साथ 12 वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। सो ऊपर 12 ओम हो गया और नीचे 6 ओम, और दोनों किस में है बेटा, सीरीज पैरेलल में है। पैरेलल का कनेक्शन क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस कितना होता है, आर टू होता है। सो हमने वैल्यू पुट कर दिया और इसकी वैल्यू आर ए बी इक्वल टू 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6। सो दिस इज 12 × 6 / 18 हो गया। 6 × 3 = कितना हो गया बेटा, 18। सो एंड 3 × 4 = कितना हो गया, 12। सो दिस इज इक्वल टू 4 ओम इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कितना आया बेटा, 4 ओम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए करंट ऑफ 2 mA वाज पास थ्रू एन अननोन रजिस्टर विच डिसिपेटेड इट पावर ऑफ 4.4 W डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 11 V इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज। तो हम जानते हैं बेटा कि पावर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, पावर इज इक्वल टू I² × R होता है। करंट आपको गिवेन है बेटा, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे करंट इज इक्वल टू है 2 mA। सो दिस इज 2 mA इक्वल टू 2 × 10⁻³ A हो गया, और पावर इक्वल टू 4.4 W है। सो जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ से, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से 4/4 × 10⁻⁶ आ जाएगा, ठीक है। सो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू V² / कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 11² वोल्टेज इक्वल टू कितना है आपका, 11। तो 11² × 4.4 × 4, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी बेटा यहाँ पे, सो बेटा यहाँ पे पावर इक्वल टू V² / R। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो ये रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया था, V² 11² / 4.4 × 4 × 10⁻⁶। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा हम, तो इसकी वैल्यू जो है वो पावर इक्वल टू आपका आ जाएगा 11 × 10⁻⁵ कितना आ जाएगा, 5 W। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2 equal resistance when connected in series to a battery consumes electric power of 60 W, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, 60 W कर रहा है, ठीक है। इफ दीज रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन टू द सेम बैटरी, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्स विल बी। देखो बेटा, P1 और P2 क्या है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पावर्स हैं। P1 और P2 क्या है, इलेक्ट्रिक पावर्स हैं अब टू रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। सो P0 क्या होगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, P1 P2 / कितना हो जाएगा, P1 + P2, क्योंकि दोनों को कनेक्ट किस में किया था, 60 W से सीरीज में कनेक्ट किया था। तो अगर इलेक्ट्रिक पावर होता है दोनों टू रजिस्टर्स का, तो इन सीरीज कम्बिनेशन पावर जो होता है बेटा P1 P2 / P1 + P2 होता है, एंड ये गिवन है आपको कितना, 60 W गिवन है, ठीक है। दिस गिवन इज 60 W, ठीक है। एंड P1 = P2 = कितना है बेटा, दिस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ 120 W है। सो P = कितना हो जाएगा, दिस इज़ P1 + P2, सो दिस इज़ इक्वल टू 240 W। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसका दूसरा मेथड देखो है, दूसरे मेथड से बता देता हूँ। मान लीजिए R रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड हो तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R प्लस R कितना, 2 R हो जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू कितना, दिस इज V² / 2 R, एंड दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है, दिस इज 60 W गिवन है, एंड सो दिस इज इक्वल टू V² / R इज इक्वल टू कितना हो गया, 120, ठीक है। सो अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो कितना हो जाएगा बेटा, R × R / R + कितना, R। सो दिस इज इक्वल टू R / कितना हो जाएगा, 2। सो पावर, न्यू पावर कितना हो जाएगा, दिस इज V² / R / कितना हो जाएगा, 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 × V² / R, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 W। दिस इज आंसर।